अमेरिका में लोगों को अपने साथ हथियार रखने की परमिशन अब एक बड़ी त्रासदी बन चुकी है। जी हाँ, अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पर फिर एक फायरिंग की घटना हुई है। अमेरिका के इंडियाना के गैरी सिटी में एक पार्टी के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई। इस घटना में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने खबर है, जबकि 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल स्थानीय पुलिस का कहना है कि इंडियाना के गैरी सिटी में एक आवासीय इलाके में हॉलीडे पार्टी चल रही थी और इसी दौरान किसी ने अंधाधुंध गोलीबारी की। अमेरिकी समय अनुसार ये घटना देर रात 12:45 पर हुई। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस फिलहाल इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर ये गोलीबारी किस कारण से हुई है। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इंडियाना फायरिंग से पहले शिकागो में 4 जुलाई 2022 को हाईलैंड पार्क में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर परेड के दौरान एक सनकी युवक ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 24 लोग घायल हुए थे। इससे पहले गैरी सिटी में ही 13 जून 2022 को एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी और करीब 4 लोग घायल हो गए थे। ये गोलीबारी गैरी सिटी के एक नाइट क्लब में हुई और इस घटना के पहले 24 मई 2022 को टेक्सास के एक प्राइमरी स्कूल में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें 19 मासूम बच्चों समेत 21 लोगों की जान चली गई थी। शूटर इसी स्कूल का पढ़ने वाला था और गोलीबारी के दौरान पुलिस ने शूटर को मौके पर ही मार गिराया। टेक्सास की घटना के करीब 1 महीने पहले ही अमेरिका के मैरीलैंड में 2 लोगों ने एक मशीन फैक्ट्री में घुसकर फायरिंग की थी। इस हमले में 2 मजदूर मारे गए थे और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अब बात आती है कि आखिर इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। तो आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के लिए अमेरिका गन कल्चर और गन कानून पूरी तरह से जिम्मेदार है, जो अमेरिकी लोगों को राइफल या छोटा हथियार खरीदने की आजादी देता है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए 18 साल की उम्र समय सीमा रखी है। वहीं हैंडगन खरीदने के लिए कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही हथियार बेचने के लिए विक्रेता की उम्र 21 साल से ऊपर की होनी चाहिए। आपको बता दें कि 231 साल बाद भी अमेरिका अपने देश में गन कल्चर को खत्म नहीं कर पाया है, क्योंकि कई राष्ट्रपतियों और राज्यों के गवर्नरों ने गन कल्चर की वकालत की है और अमेरिका की गन लॉबी नहीं चाहती थी कि ये खत्म हो। अमेरिका में हथियारों का कारोबार कितना फैला है, इसका अंदाजा 2019 में आई एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 गन डीलर थे, जिन्होंने सिर्फ 1 साल में 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। अमेरिका में नेशनल राइफल एसोसिएशन ही सबसे ताकतवर गन लॉबी है, जो वहां के सांसदों को प्रभावित करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है, और यही ताकतवर लॉबी गन कल्चर खत्म करने के लिए आने वाले सभी संविधान संशोधन का विरोध करती रही है। अमेरिका में लोग मोबाइल की तरह अपने साथ हथियार को रखते हैं, जिसका खामियाजा आज अमेरिका खुद भुगत रहा है।